राम साह, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट अंतर। कर्णुता के कुछ युवा हमारे साथ है और हम इस चुनाव में राहुल कस्वा की हार मान रहे थे, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे 4 लाख के, 3 लाख के, 2 लाख के, हालांकि हरमान मेनीवाल अमरा राम को हमने पहले ही वेरीफाई कर दिया था कि ये दोनों सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। राहुल कस्वा को लेकर के सस्पेंस था और वो 40-50 हज़ार के आसपास तक चुनाव जीतने की आशंका उनकी बन रही है और जीत चुके हैं। कर्णुता के महावीर जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। काय महावीर जी, काय महसूस करो? बहुत बढ़िया, राहुल कस्वा जीत को, हरमान बेनीवाल जीत को, मैं तो बहुत खुश हूँ। भाटिया हार को, उनका बेनीवाल जीत को, बढ़िया। अमरा राम जीत को, बहुत बढ़िया है। किसान नेता सब बना ली इंडिया का, किसान हाँ सरकार बनाएगा जी, बिल्कुल। 5 सीटें थोड़ी कम है, कम है तो अपना सेटिंग हो जी, आगे दिल्ली काय दे दीजिए। मैं तो थारे नेता विरोध करा, वो विरोध आप करते थे, माको कारण ये है कि भाई पहले मैं क्यों, आप थे गांव का ही हो, मैं पहले क्यों कि राहुल कस्वा जीती, कतई वोटा जीतो और हमारे बेनीवाल जी जीती, दो जीत फिक्स करी, मैं जीतूंगी। हार जीत होती है, ये पूरे भारत के एग्जिट पोल फेल हुए हैं इस बार, पहला चुनाव देखने को मिला है ये। इंडिया गठबंधन को सीटें दे रहे थे 70, 80, 100, 120 और डबल सीटें आई है। पूरे जितने भी चैनल है सबके एग्जिट पोल फेल हुए, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम भी भगवान नहीं होते, हमारा जो सर्वे होता है, आंकड़ा होता है, उसी हिसाब से बातचीत करते हैं। 10 सीट आ रही है कांग्रेस की, 10-12 सीट आराम से आ जाएगी। ठीक है साहब, बढ़िया हुई कांग्रेस, ज्यादा जीती, हरमान जीते तो ना तकड़ा तकड़ा। मैं तो जोरदार, बहुत बहुत जोरदार खुश आई है, बहुत जोरदार खुशी आई है। हाँ वे जीता जोश में, हाँ पैसा काट लो ना, भले ही काटो, काट लो तो और आदमी मारो, हरमान जी जीत गया, पैसा कढ़ाई है, कोई दिक्कत को नहीं, मतलब थे मेहनत करी, गोडा दुखे मन लगे थोड़ा भाजा का, किंग को दुखे, जीत गया हगड़ा हावड़ हो गया, मार तो सही होगा ना। आओ तो थे यहां मायरा, यहां लगो लगी भरिया, जो आप शर्म को ना बाकी नहीं तो थे मायरा मायरा ब्रो, मैं बाकी जरूरत है तन भरने कोई काम है, माई तांगो तो माई भरने को काम है। मैं बार थोड़ी देर पहले ज्योति जी घर गयो, बट सो ही आदमी है भले तैयार, मैं बटो पाछो आएगो, अच्छा अच्छा बड़े पर आते हैं, बड़े पर दे माई रोकिंग कौन तैयार होई तो एर, मने एक चीज ते बताओ, ते मैं तो मंगा रिजपाल जी मिर्दा ही सुना और मैंने चोखा बहुत बोलिया, मांगे जो आप मन में जड़ा बोलिया ला, जनता सब समझे, हनुमान जी का गुण है, मिनकार गुण लार पूजा हुए, हनुमान जी में गुण है, नेता जी में गुण लार पूजा है, भाई साहब बहुत खुशी हो रही है हनुमान जी जीतने पर, मन गाई दे थाने दे दे गिफ्ट, आ जाओ गन्ना गन्ना को जूस पाए था, चलो बाहर कहीं भाई साहब, बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकला है, हनुमान बेनीवाल जी बहुत खुशी हो रही है, हमको जीता दिए, इनको पूछो, फुल खुशी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और रिजपाल जी मिर्जा ने जो जो यूज किया है ना वर्ड, वो सब पूरी जनता जान चुकी है कि क्या है, अपोजिट ही तो था, इतना भी अच्छा बोलना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। माता बहने जो खुल करके विरोध नहीं करती है, मन में विरोध कर लेती है, मन में एक मन के अंदर ही काट देती है, दादा के उम्र के वोट के, कोई मंच पे, कोई मंच पे स्पीकर भाषण देते हुए नहीं टोक सकता, लेकिन दादा के उम्र है, उनको भी सोचना चाहिए, अगर वो ऐसा हरकत नहीं करते मान कर दिया है और नित्र तो अबार इलाज कर दे, इतो बुरो नागौर को नहीं जो एडी बात सुने। हनुमान बेनीवाल के मुंह से मैंने आज तक कभी ऐसी बातें नहीं सुनी है, हालांकि कभी कभार युवा लोग जो जोश के अंदर उसको गोदी वगैरह लेते हैं तब कभी कभार टोक दिया होगा, बाकी गाली गलौज आज तक नहीं हुआ। वो तो देखो कोई ऊपर लेके गिर सकता है, उस गिरने की पोजीशन में सबको गुस्सा आता है, किसको नहीं आता है, किसी ने ऊपर लिया अच्छे से नहीं उठाया तो उसमें गिरने की पूरी संभावना, तो उनको सोचना चाहिए ना, तभी तो गुस्सा आएगा, बिल्कुल जाइज है वो गुस्सा। प्रधानमंत्री कौन बन चाहिए? अब प्रधानमंत्री देखो नागौर का प्रधानमंत्री तो यही है, अपना हनुमान बस यही राजस्थान का, उनका प्रधानमंत्री जी को भी पता चल गया होगा कि क्या है, क्या है उनको बोल के चैलेंज करके और राजस्थान में कौन सी कंडीशन पे, कांग्रेस को भी अच्छी पोजीशन मिली है। उनको पिछली बार ये भी बोला था कि अब की बार जीत के दिखा देना 25 के 25, ये डिफरेंस लगभग आरएलपी की वजह से लगभग 10 सीटें लॉस हो रही है बीजेपी को। हनुमान बेनीवाल के हेड तहसील में 10-15 हज़ार वोट तो है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन जो राजस्थान में ऑल ओवर जो सीटें लगभग कांग्रेस की अभी आ रही है ना, वो हनुमान फैक्टर की वजह से ही है, हनुमान की वजह से ही 10 से 11 सीट कांग्रेस की निकल रही है, ये बड़ा लॉस है बीजेपी को। बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए, अगर वहाँ पे जो ऊपर से कूदे थे उनके बारे में कौन दमदार, कौन था मजबूत, कौन था वहाँ पे, सारे लोग भाग रहे थे ना, तो फिर हनुमान जी नहीं पकड़ा, क्या होगा,
जो होगा देखा जाएगा। नागौर की जनता ने हनुमान को नहीं जिताया, मोदी के मुंह पर चांदी का जूता मारा है कि हनुमान बेनीवाल क्या है और हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कितना नुकसान कर सकता है। ये तो भला हुआ कि हनुमान को मौका नहीं मिला थोड़ा प्रचार करने का, यदि 5-7 दिन मिल जाए तो वे मोरियार कोकार गोयरार वे सगड़ा सांप रूटिया सगड़ा बोला दे। थोड़ा थोड़ा इंडिया गठबंधन अगर पहले हो जाता ना, 20 दिन पहले हो जाता ना, तो फिर पूर्ण बहुमत बीजेपी को कभी नहीं मिलता था। साहब देखो मौर्य के क्या कोचर बोल जाते तब तो